हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इन फिगर ABCD इज ए पैरेललोग्राम। एक आपको फिगर दे रखी है और इस फिगर के अंदर क्या दे रखा है, ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। AE परपेंडिकुलर टू DC। अब जो हमारे पास क्या है, AE है वो परपेंडिकुलर है किस पर, CD पर। एंड CF परपेंडिकुलर टू AD, और जो CF है वो परपेंडिकुलर है AD पर। इफ़ AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, AB 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। AE इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है। CF इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, CF 10 सेंटीमीटर है। एंड फाइंड AD, हमें फाइंड करना है AD, ये आपको फाइंड करना है। अब ये अगर हमारे पास AB 16 सेंटीमीटर है तो हमारे पास CD भी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे पास AB 16 है तो CD भी कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास है कि अगर हम पैरेललोग्राम का एरिया निकालें, हमारे पास दो हाइट दे रखी है, दो बेस हैं। बेस हम किसी को भी मान सकते हैं, चारों साइड में से किसी को भी बेस मान सकते हैं और हाइट भी मान सकते हैं। कि अगर इधर से इधर है तो हमारे पास ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, ये भी बेस हो सकता है, ये हाइट हो सकती है। इसी तरह से ये बेस है तो ये हाइट है हमारे पास। कैसे भी करके निकालें, लेकिन एरिया तो हमारे पास इसी पैरेललोग्राम का आएगा। और किसी भी वे से हम निकाल ले, एरिया हमेशा सेम आएगा पैरेललोग्राम का। तो हमने दो वे से लेके चले, कैसे कैसे। अगर हमारे पास बेस क्या है, AD, अगर हमारे पास AD बेस है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो बेस हमारे पास क्या ले लिया, AD, हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, CF। तो AD मल्टीप्लाई CF, इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर बेस को हम CD लेके चलें तो हाइट क्या हो जाएगी, AE हो जाएगी, वो भी क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा हमारे पास। और दोनों में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो इक्वल होगा, तो क्या लिखेंगे, AD मल्टीप्लाई CF इज इक्वल टू आएगा AE मल्टीप्लाई CD। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख लिया। AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर है, देन AB और CD इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। देन CD भी कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में हम रखेंगे AD मल्टीप्लाई CF की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू AE हमारे पास 8 है और CD हमारे पास 16। AD इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 10, 2 4 जा 8 2 5 जा 10, 16 4 जा 64 बाई 5। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इफ EFG एंड H आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। EFGH हमारे पास क्या है, मिड पॉइंट्स हैं किसके, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD के। हमें प्रूव करना है कि जो EFGH, एरिया ऑफ EFGH है वो किसके इक्वल आ जाए, 1/2 एरिया ऑफ ABCD। हमारे पास ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, और उसके मिड पॉइंट्स क्या है, EFGH, इनके मिड पॉइंट्स ले लिए। इनके मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास ये अंदर भी क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। तो ये बोल रखा है ये जो पैरेललोग्राम बना हुआ है EFGH, इसका जो एरिया है वो टोटल के एरिया का हाफ है। ये हमें प्रूव करना है, कैसे, गिवन है हमारे पास EFGH आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABB CCD एंड DA, इन सभी साइड्स का हाफ है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ EFGH इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने, क्या F और H को ज्वाइन कर लिया, जो हमारे पास से मिड है इसको ज्वाइन कर लिया दोनों के, ठीक है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन हो गई। अब देखो AD है, AD है वो पैरेलल है किसके, BC के पैरेलल है। अगर AD BC के पैरेलल है तो HD वो किसके पैरेलल होगा, CF के पैरेलल होगा। और AH है वो किसके पैरेलल होगा, FB के पैरेलल होगा। तो क्या लिख सकते, AD पैरेलल टू BC, AD इज इक्वल टू BC लिख सकते, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। फिर AD का भी हाफ कर दिया, BC का भी हाफ कर दिया, AD का हाफ करेंगे तो क्या लिखेंगे, DH भी लिख सकते हैं और AH भी लिख सकते हैं। तो AD बाई 2 और BC बाई 2 क्या लिख देंगे, AH, और इसको AH लिख दिया तो इसके हाफ को हम क्या लिख लेंगे, BF। ये आ गया हमारे पास
जब हमारे पास अपोजिट साइड ये इक्वल हो गई और ये जो है ये इसके पैरेलल ड्रॉ की थी, तो हमारे पास क्या बोल देंगे कि ए बी एफ एच हमारे पास क्या बन जाएगा, एक पैरेलोग्राम बन गया। ए बी एफ एच इज ए पैरेलोग्राम। तो एरिया ऑफ जो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गई, यहाँ पर जो ट्रायंगल बनी इस पैरेलोग्राम के अंदर, उसका नाम क्या है हमारे पास, एच ई एफ, एच ई एफ। पहले हम ये ऊपर वाली लेके चल रहे बेटा, एच ई एफ। ये अगर हमारे पास एच ई एफ ट्रायंगल हो गई तो हमारे पास यहाँ पे फिगर क्या आ जाएगी, एच डी सी एफ, ये पैरेलोग्राम हो जाएगा। ये तो हमारे पास ट्रायंगल हो गई और ये हाफ पैरेलोग्राम हो गया, इसके हाफ के इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ, इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एच डी सी एफ। इसी तरह से नीचे से ले लेंगे एच जी एफ, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल आएगी, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी एफ एच के। तो 1/2 एरिया ऑफ एच ए बी एफ के इक्वल आ जाएगी। इसको इक्वेशन 2 मान लिया, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड कर देंगे, राइट में राइट को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एच ई एफ फर्स्ट हो गई, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एच जी ई ये हो गई हमारे पास सेकंड हो गई। तो पूरी को जब ऐड कर देंगे तो क्या बन गया, एक पैरेलोग्राम बन गया जिसका नाम क्या है, ई एफ जी एच। तो इसको हम लिख देंगे एरिया ऑफ ई एफ जी एच इज इक्वल टू, में क्या था, दोनों में 1/2 था, 1/2 बाहर ले लिया, एरिया ऑफ एच डी सी एफ प्लस एरिया ऑफ एच ए एफ बी, दोनों को प्लस कर देंगे। एक तो हमारे पास ये पैरेलोग्राम है, एक से नीचे पैरेलोग्राम, दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या बन गया, ए बी सी डी पैरेलोग्राम। तो 1/2 को आगे रख रखा है और एरिया ऑफ ए बी सी डी ये हमें प्रूव करना था कि इसका जो एरिया है वो इसके हाफ के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। पी एंड क्यू आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग द साइड्स डी सी एंड ए डी। पी और क्या, वो हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं जो कि लाई करते हैं किस पर, डी सी और ए डी पर। डी सी पर पी पॉइंट करता है और ए डी पर हमारे पास क्यू पॉइंट लाई करता है। ऑफ ए पैरेलोग्राम ए बी सी डी शो दैट एरिया ऑफ ए पी बी, हमें प्रूव करना एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू आ जाए एरिया ऑफ बी क्यू सी, कि ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया इस ट्रायंगल के इक्वल आ जाए। अब गिवन में हमारे पास क्या, ए बी सी डी एक पैरेलोग्राम है, पी और क्या वो हमारे पास दो पॉइंट्स है, किस किस पर, पी हमारे पास सी डी पर है और क्या वो हमारे पास ए डी पर है। अब हमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो लिख देंगे। प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, देखो अगर हम ये वाली ट्रायंगल ले लें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी, तो ये हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगी और ये पूरा का पूरा क्या है, पैरेलोग्राम। दोनों का बेस क्या है, सेम है, ए बी हमारे पास बेस हो जाएगा और किस किस के बीच में है, ए बी और सी डी के बीच में है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में हो गया। तो क्या बोल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू ए 1/2 एरिया ऑफ ए पैरेलोग्राम। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ए पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी के। इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, फिर इधर से हम सी डी को क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे और ये हमारे पास क्या हो गया, एक ट्रायंगल। तो इस पूरे का जो एरिया है वो इस ट्रायंगल के, इस ट्रायंगल का एरिया पूरे के हाफ के इक्वल आएगा। तो ट्रायंगल का नाम क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ बी क्यू सी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, इक्वेशन 2 नाम रख दिया। बोथ आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल, दोनों हमारे पास सेम बेस पर है और सेम पैरेलल पर हैं। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस में कंपेयर कर देंगे भाई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, एरिया ऑफ ए पी बी इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ बी क्यू सी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर पी इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए पैरेलोग्राम ए बी सी डी, हमारे पास एक पैरेलोग्राम है ए बी सी डी जिसके अंदर पी एक पॉइंट है इंटीरियर ऑफ ए पैरेलोग्राम, पैरेलोग्राम के अंदर एक पॉइंट है पी। शो दैट एरिया ऑफ ए पी बी, हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ए पी बी इज प्लस एरिया ऑफ पी सी डी किसके इक्वल आ जाए, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब दोनों का अलग अलग निकाल के दिखा देंगे, एक तो ये पैरेलोग्राम हो जाएगा, इस पैरेलोग्राम का हाफ हो जाएगा ये ट्रायंगल, इस पैरेलोग्राम का हाफ ये ट्रायंगल हो जाएगी और फिर टोटल का हाफ हो जाएगा इन दोनों का प्लस करने से। कैसे, जो पी ड्रो, हमारे पास जो पी पॉइंट है उससे हमने एक लाइन ड्रो कर ली, क्या एल एम किसके पैरेलल है, जो ए बी के पैरेलल, अगर ए बी के पैरेलल है तो वो सी डी के भी पैरेलल होगी। मीटिंग ए डी, ए डी पर उसने एल पॉइंट पर मिला दिया और जो बी सी है उस पर उन्होंने एम पॉइंट पर मिला दिया। अब देखो
ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी है वो किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो हमारे पास ए एल है वो किसके पैरेलल होगा, बी एम के पैरेलल होगा, और जो ए बी है वो किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है, और एल ए एम के पैरेलल है, तीनों पैरेलल हो जाएंगी। इसको इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड मिल गई। अब हमारे पास देखो अपोजिट साइड पैरेलल आ गई तो क्या बोल देंगे, ए बी एम एल इज ए पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम बन गया और इसी के अंदर एक ट्रायंगल बनी हुई है ए पी बी। नाउ पैरेललोग्राम ए बी एम एल, ए बी एम एल एंड ट्रायंगल ए बी पी आर ऑन द सेम बेस, सेम बेस किस पर, ए बी पर, और बिटवीन द सेम पैरेलल किस किस के बीच में, ए बी और एल एम के बीच में। तो क्या बोल देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी एम एल, पैरेलोग्राम के हाफ के इक्वल कर दिया। सिमिलरली नीचे वाले का दिखा देंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी सी डी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ 1/2 एरिया ऑफ एल डी सी एम। कैसे देखो, सिमिलरली वी कैन शो दैट एरिया ऑफ पी डी सी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ एल एम सी डी, इक्वेशन 4 हो गई। थर्ड और फोर्थ को दोनों को ऐड कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इज इक्वल टू 1/2 प्लस एरिया ऑफ ए बी एम एल प्लस 1/2 एरिया ऑफ एल एम सी डी। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास इनको तो एज इट इज रख लिया, इज इक्वल टू 1/2 दोनों में से कॉमन ले लिया, और ए बी एम एल प्लस एल एम सी डी, ए बी एम एल प्लस एल एम सी डी, इन दोनों अगर पैरेललोग्राम को मिला दिया तो क्या बन गया, ए बी सी डी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। इसको हमने इक्वेशन 5 नाम दे दिया, यही हमें फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना था। अब सेकंड पार्ट में क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ पी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी सी डी। इसी तरह से हम दूसरी साइड से कर लेंगे, कैसे शो करेंगे देखो, दूसरी साइड से हमने क्या किया, एक और कंस्ट्रक्शन कर ली कि एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर ली, किसके, ए डी के पैरेलल और बी सी के पैरेलल। ये अगर हमारे पास एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली तो हम क्या बोल देंगे, ए पी डी एक ट्रायंगल हो जाएगी, और ये पूरा का पूरा क्या, एक पैरेललोग्राम। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया बनेगा ए पी डी का, वो इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा। इसी तरह से दूसरी ट्रायंगल क्या हो जाएगी, बी पी सी, ये जो ट्रायंगल है इसका जो एरिया वो क्या, इस पैरेललोग्राम के हाफ के इक्वल होगा, और दोनों को फिर हम प्लस कर देंगे। कैसे, सिमिलरली बाय ड्रॉइंग एक्स वाई पैरेलल टू ए डी थ्रू पी कैन से दैट एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ बी पी सी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी, इक्वेशन 6 हो गई। इक्वेशन 5 और 6 को कंपेयर करेंगे। अब इक्वेशन 5 और 6 में राइट हैंड साइड दोनों में इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल रख देंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए पी डी प्लस एरिया ऑफ बी पी सी इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ ए पी बी प्लस एरिया ऑफ पी डी सी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इन फिगर पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस आर पैरेललोग्राम एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी आर। पी क्यू आर एस एंड ए बी आर एस दो पैरेललोग्राम है हमारे पास है, और एक्स इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी आर। बी आर जो हमारे पास साइड है उस पर एक पॉइंट है एक्स। शो दैट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ए बी आर एस के। देखो गिवन हमारे पास क्या है, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दो पैरेललोग्राम है एंड एक्स इज एनी पॉइंट ऑन बी आर। हमें प्रूव क्या करना है, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल प्रूव करना है। क्या लेके चले, इन ट्रायंगल ए एस पी, ए एस पी हमारे पास एक ट्रायंगल क्या है, ए एस पी। देखो जब पूरी की पूरी इतनी ये हमारे पास हटा दो, पी क्यू आर एस लेके चल रहे हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रायंगल हटा दी हमने, क्या नाम रख रखा है उसका, बी क्यू आर, उस ट्रायंगल को हटा रखा है। लेकिन जब ए बी आर एस ले रहे तो किस ट्रायंगल को हटा रखा है हमने, पी ए पी एस को। तो हम क्या कर देंगे, देखो अगर इसमें हम ये ले रहे हैं तो इतना ही पार्ट हमने उधर से हटा दिया, जब इसको हटा दिया तो इतना पार्ट इधर ऐड कर लिया। तो हमें ये दोनों, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखा देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, तो कॉन्ग्रेंट है तो एरिया सेम होगा, एरिया सेम होगा तो हमारे पास इक्वलिटी आ जाएगी। कैसे, इन ट्रायंगल ए एस पी एंड बी आर क्यू दो ट्रायंगल्स लेके चल पड़े हम। अब देखो एंगल एस पी ए, एंगल एस पी ए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल आर क्यू बी इसके इक्वल होगा। कैसे होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि अगर इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे इसको ऐसे, तो दोनों क्या हो गए, इसके पी और क्यू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। इसी तरह से दूसरा क्या है, एंगल पी ए एस, पी ए एस यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू बी आर, क्यू बी आर इसके इक्वल होगा, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। थर्ड हमारे पास क्या है, एंगल पी एस
ए, एंगल पी एस ए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा, किससे? एंगल सम प्रॉपर्टी से, क्योंकि दो एंगल अगर हमारे पास एक फिगर में दो एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल भी उसका इक्वल होगा। तो क्या लिख देंगे? अपोजिट साइड पी एस, अब जो हमारे पास पी एस है वो किसके इक्वल है? बी आर के। अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्या हुआ? आर एस, ये भी इक्वल होगा। तो क्या बोल देंगे? ट्रायंगल ए पी एस कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी क्या हु आर के बाई ए एस, ए एंगल साइड एंगल से, और दोनों अगर हमारे पास कॉन्ग्रेंट है तो दोनों का एरिया भी इक्वल आएगा। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस ए इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हु आर बी। कॉन्ग्रेंट फिगर्स है वो सेम एरिया, अगर कोई हमारे पास दो फिगर्स कॉन्ग्रेंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होता है। नाउ P क्या हुआ आर एस, अब हमारे पास क्या है? P क्या हुआ आर एस किसके इक्वल होगी? P क्या हुआ आर एस को हम क्या लिख सकते हैं कि इसको ऐड कर दें पी ए एस, पी ए एस हमारे पास एक ट्रायंगल है, प्लस A क्या हुआ A S आर क्या, इन दोनों को प्लस कर देंगे, एक हमारे पास ये हो गई, एक हमारे पास ये हो गई, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो पी क्या आर एस बन जाएगी। ये लिख दिया इज इक्वल टू, अब पी एस ए ये जो हमारे पास ट्रायंगल है किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? क्या आर बी प्लस एरिया ऑफ ए एस आर क्या, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? देखो ए हमारे पास एक तो क्या है क्या आर बी, क्या आर बी ये वाला एरिया आ जाएगा, प्लस कर देंगे ए एस आर क्या ए एस आर क्या, और एक ये वाला, तो ये पूरा का पूरा एरिया आ गया। इसका नाम क्या है? ए बी आर एस, तो इसको हम क्या लिख देंगे? एरिया ऑफ ए बी आर एस। इधर क्या है? एरिया ऑफ पी क्या आर एस, दोनों इक्वल हो गए हमारे पास, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ ए एक्स एस, अब हमें दूसरे में प्रूव करना है ए एक्स एस, ये जो ट्रायंगल बने हुए इसका जो एरिया है वो पी क्यू आर एस के हाफ के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। नाउ ए एक्स एस एंड पैरेललोग्राम ए बी आर एस, हमारे पास दो चीज़ दे रखी हैं, क्या क्या? ए एक्स एस, ये तो एक ट्रायंगल हो गई, और एक पैरेललोग्राम ले लिया ए बी आर एस, दोनों का सेम बेस दिखा देंगे, और सेम हमारे पास सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है, आर ऑन द सेम बेस ए एस, दोनों का बेस क्या है? ए एस है, और किस किस के बीच में है? दोनों हमारे पास सेम पैरेलल ए एस एंड बी आर के बीच में है, तो क्या बोल देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स एस इस इक्वल होगा किसके? 1/2 एरिया ऑफ ए बी आर एस के इक्वल होगा। अब इसको एज इट इज रख लेंगे, जो ए बी आर एस का एरिया वो किसके इक्वल है? पी क्यू आर एस के, तो क्या लिख देंगे? बाई फर्स्ट ए 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, और यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, हमारे पास क्या दे रखा है? ए फार्मर वाज हैविंग ए फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम, एक फार्मर के पास कोई खेत है और किस शेप में है? कि पैरेललोग्राम की शेप में है। पी क्यू आर एस, और उसका नाम क्या है? पी क्यू आर एस, से टुक एनी पॉइंट ए, और उसने क्या लिया? एक पॉइंट ए लिया ऑन आर एस, किस पर? आर एस पर, एंड ज्वाइन इट टू द पॉइंट्स पी एंड क्या, और उसको पी और क्या पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, अब ये बताओ कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। वट आर द शेप ऑफ दिस पार्ट्स, और इन पार्ट्स की जो शेप है वो कैसी है? ये हमें देखने से पता चल रहा है कैसी शेप है, ट्रायंगल की शेप है, तो हमारे पास क्या लिख देंगे? इन ट्रायंगल शेप। द फार्मर वांट्स टू शो वीट एंड पल्सेस इज इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट, ये बोल रखा है। वो फार्मर है जो हमारे पास वांट्स टू शो, वो उगाना चाहता है वीट एंड पल्स, वीट और पल्स को इक्वल इक्वल पार्ट में सेपरेटली इन द फील्ड, फील्ड के अंदर इक्वल पार्ट में उनको उगाना चाहता है। हाउ शुड शी डू इट, वो ऐसा कैसे कर सकता है? देखो कैसे कर सकता है, हमने मान लिया सिंस ए पी क्या, देखो ए पी क्या क्या बन गया? एक ट्रायंगल बन गया, और पी क्या आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है, ऑन द सेम बेस, किस बेस पर? पी क्यू एंड बिटवीन द सेम पैरेलल पी क्यू एंड आर एस, तो हम क्या बोल देंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए क्यू ए पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस के इक्वल। अब 2 को उधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एरिया ए पी क्यू इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, अब इसको एज इट इज रख लिया तो, बट एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, लेकिन ये तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दिया हमने, अब इसमें क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस किसके इक्वल है? इन तीनों ट्रायंगल्स का अगर हम सम कर देंगे एरिया का तो इसके इक्वल आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ
पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ए आर क्यू, तीनों को प्लस कर देंगे। अगर हमारे पास तीनों पार्ट्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू आर एस के इक्वल हो जाएगा। इसको हम पी क्यू आर एस है वो किसके इक्वल है, टू टाइम्स एरिया ऑफ ए पी क्यू, तो इसकी जगह हमने रख दिया टू टाइम्स एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए पी क्यू प्लस एरिया ऑफ पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ए आर क्यू। ए पी क्यू को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, टू टाइम्स में से वन टाइम्स माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ए आर क्यू। अभी इन्होंने बोल दिया कि जो ए पी क्यू का जो ये एरिया है ये किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है। तो क्या बोल रहे हैं, टू शो विट एंड पल्स इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड। अब इसको हमने शो कर दिया कि पल्स इज इन इक्वल विट और पल्स को वो इक्वल पार्ट्स के अंदर उगा सकता है। ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.2। ओके, थैंक यू।